राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। बस्ती जिले के सलटुआ गोपालपुर ब्लॉक परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद व राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने फीता काटकर किया। सांसद ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का यह बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिससे ग्रामीण स्तर पर ही लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के ले सकते हैं। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, किसानों को समृद्ध करने के लिए सम्मान निधि दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना बस्ती जनपद में 2.20 लाख गोल्डन कार्ड बना है, अभी इस जिले में 10 लाख लोगों तक गोल्डन कार्ड पहुंचाने का योजना बनाई गई है। सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि पीएम का प्रयास है कि भारत दुनिया का सिरमौर बने। मोदी ने वह किया जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने आए हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा, ऐसे मेले से अंतिम व्यक्ति तक प्रदेश और केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं को पहुंचाया जा सके। आयुष्मान कार्ड नवयुवक महिला मंगल दल के 12 समूहों को खेल सामग्री वितरण किया गया। परसों से चल रहा है, 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक ये स्वास्थ्य मेला सभी ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित किया गया है। इस स्वास्थ्य मेले के माध्यम से हमारी सरकार की ये मंशा है कि हर गरीब तक उनकी कोई अगर बीमारी है उसकी जांच हो और हर गरीब तक दवा पहुँचाई जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश ये स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आगे कोई अच्छा काम नहीं चल सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रख करके हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को आगे बढ़ाना है। इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मेले के माध्यम से अधिक गरीबों तक स्वास्थ्य की सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ, अधिक से अधिक गरीबों को स्वस्थ रखा। मेले में क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने लाभार्थियों को इस मेले का? इसमें अधिकतम जितने आ सकते हैं आए, उसका कोई मिनिमम लक्ष्य नहीं है, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो होना चाहिए। सांसद जी, जैसे कोरोना बढ़ रहा है इस समय, कोरोना के कुछ केसेज आ रहे हैं, क्या उसको देखते हुए भी मेले में क्या? नहीं, कोरोना केसेज आ रहे हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कोरोना के दृष्टि से भी आप थोड़ा सा बचा के रहिए। और यहाँ हम लोग टीकाकरण भी करवा रहे हैं, कोविड टीकाकरण भी हो रहा है, हर कैंप भी हो रहा है। इसका भी ये मकसद है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, जागरूकता करना और अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना। और सांसद जी, मुख्यमंत्री आरोग्य जो मेला चलाया जा रहा है, उसमें बहुत सारे PHC जनपद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, उसमें डॉक्टर ही नहीं है। और मेले का सूचना मिलेगी, CMO साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे, आप हमको लिखित सूचना दीजिएगा, हम इनसे बात करके समाधान करवाएंगे। सामयिकित बाल विकास परियोजना तरफ से संचालित 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ 2 बच्चों का अन्न परासन कराया गया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए सभी स्टालों को देखा व स्त्री प्रसूति रोग तथा परिवार नियोजन के बारे में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली और NRLM द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाया गया चप्पल, बट्टे, गिलास, बिजली बिल, मशीन, टीकाकरण, टेली मेडिसिन, हेल्थ कार्ड, शुगर जांच, दिव्यांगजन, दंत रोग, नेत्र रोग, आयुर्वेद, यूनानी, आयुष्मान भारत, एलोपैथ, कोविड सैंपलिंग तथा शिक्षा विभाग सहित कुल 24 स्टाल लगाए गए थे, जिसमें कुल 1000 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। इस अवसर पर CMO डॉक्टर चंद्रशेखर, CL कनौजिया, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र यादव, MOIC आनंद मिश्र, CDPO देवेंद्र सिंह, ADO पंचायत गिरीश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अभिषेक चौबे, BEO अशोक कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। देखा खास रिपोर्ट। भारत कार्ड के
मतलब जो लाभ है लाभार्थियों को किस तरीके से दिया जा रहा है और कैसे मिल रहा है और क्या क्या लाभ है इसका? ये जनपद में कितने हॉस्पिटलों में ये इसकी सुविधा है? हमारे बस्ती जनपद में 14 पीएससी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैली और महिला 14-3-17 ये है और 19 प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इसके अंतर्गत चयनित है। इसमें 5 लाख का बीमा होता है, घर में परिवार का कोई भी मेंबर 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है। और ये गोल्डन कार्ड ऐसा नहीं है कि खाली बस्ती में ही या यूपी में ही, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाइए, आपका वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, आप जो भी चयनित हमारा अस्पताल वहाँ पर पूरे इंडिया में है वहाँ जाएंगे, फ्री आपका चला जाए आपको 5 लाख। जनपद में कितने लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बस्ती टॉप पे है, सबसे ज़्यादा बस्ती के लोग लाभ उठाए हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा आदमियों ने यहाँ लाभ उठा चुके हैं और करीब कितना 2 लाख, 2 लाख के लगभग हमारा कार्ड बन चुका है, 2,20,000 कार्ड बन चुका है और 10,000 से ज़्यादा आदमी लाभान्वित हो चुके हैं। और इसके अगर किसी को कार्ड है, किसी के पास कार्ड है, अगर उसको कोई परेशानी हो रही है तो सबको नंबर दिया गया है सीएमओ ऑफिस में, हमारे भी एक ऑफिस है आयुष्मान भारत की, वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं उनकी समस्या को हल करने के लिए। ये या फला अस्पताल गए, जैसे ज्ञान में गए, नवी में गए या किसी भी अस्पताल में गए, अगर वहाँ कोई दिक्कत हो रही है, कोई नानुकुर कर रहा है या कोई मनसा कुछ और है तो वो तुरंत हम लोग नंबर दे रखे हैं हमारे ऑफिस में, ऑफिस में संपर्क करें, उनकी समस्या को हम लोग दूर करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस्ती में कोई दिक्कत नहीं होती।